नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह कहानी हमें बताती है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। मोनिका की शादी को 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल और शांतिपूर्ण थी। उसका पति रमेश एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। मोनिका अपनी सास और ननद के साथ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत धार्मिक औरत थी, जो ज्यादातर वक्त गुरुजी के आश्रम में ही बिताती थी। गुरुजी के नाम पर उनका अटूट विश्वास था। मोनिका इस धार्मिक माहौल में बहुत खुश थी, क्योंकि अपने मायके में उसने हमेशा झगड़े और नफरत ही देखी थी। उसे लगता था कि ससुराल में आकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। सासू माँ उसे गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की सलाह देती थी और कहती थी कि उनके घर की सुख शांति सब गुरु जी की कृपा से है। रमेश मोनिका से बहुत प्यार करता था। मोनिका बहुत ही खूबसूरत औरत थी, हट्टी कट्टी गोरी चिट्टी और मस्त जवान थी, जिसके कारण कोई भी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाता था। मोनिका के पति घर पर 1-2 हफ्ते के बाद ही घर आते थे। एक दिन मोनिका अपने पति का इंतजार कर रही थी। रमेश को घर आते आते रात के 11 बज गए। थके हारे घर पर लौटने के बाद रमेश फ्रेश होकर कर खाना खाने बैठ जाता है। नाराज मोनिका भी उनके सामने बैठ जाती है। खाना खाने के बाद रमेश अखबार लेकर बेडरूम में चला जाता है और मोनिका रसोई के काम खत्म करने चली जाती है। रसोई के काम खत्म करके मोनिका भी बेडरूम में आ जाती है। रमेश अखबार में डूबा हुआ था। मोनिका बिस्तर पर रमेश के पास बैठ जाती है और अखबार खींचते हुए रमेश से थोड़ा नाराज होते हुए कहती हैं, आप इतनी देर से मत आया करो जी, मुझे आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है और आप है कि हमेशा देर से आते हो। घर से बाहर निकलने के बाद आपको याद भी रहता है कि आपकी बीवी घर पर इंतजार कर रही होगी। तभी रमेश मुस्कुराते हुए बोलता है, जाने मन, यह सब मैं भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूं ना, हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमें आगे के लिए भी तो सोचना चाहिए, है ना? और मोनिका को समझाते हुए रमेश उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने गले लगा लेता है। तभी रमेश उससे कहता है कि माँ जी ने आपको बताया होगा ना कि गुरुजी वापस आ गए हैं। मोनिका ने हाँ में सिर हिलाया और रमेश से कहती हैं, जी मैं जानती हूँ कि गुरुजी कल घर आ रहे हैं और उनकी खूब सेवा करनी है। माँ जी ने सब बताया था शाम को, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी जानेमन आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। अपनी बीवी मोनिका की ऐसी समझदार बातें सुनकर रमेश को अच्छा लग जाता है। अगले दिन दोपहर को बताए अनुसार गुरुजी उनके घर पर आ जाते हैं। फिर एक दिन जब गुरुजी घर आने वाले थे, मोनिका की सास ने उन्हें विशेष सत्कार करने का निर्देश दिया। मोनिका पहली बार गुरुजी से मिली, उनकी बातें सुनी और उनकी कृपा से अभिभूत हो गई। अगले दिन घर में सभी लोग बाहर जाने की तैयारी करने लगे। मोनिका की सास तीर्थ यात्रा पर, ननद ऑफिस के काम से गाजियाबाद और पति गुजरात के व्यापारिक दौरे पर जाने वाले थे। सबके जाने के बाद मोनिका अकेली रह जाती है। रात के 9 बजते हैं और गुरुजी मोनिका के घर आ जाते हैं। मोनिका उनका स्वागत करती है, उन्हें चाय पेश करती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी गुरुजी एक अजीब सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें डरावने सपने आते हैं? यह सुनकर मोनिका चौंक जाती है। यह बात उसने केवल अपनी सास को बताई थी। वह सपने में खुद को खून से लथपथ कमरे में देखती थी। यह जानकर गुरुजी गंभीर हो जाते हैं और मोनिका को कमरे में नारियल के साथ एक विशेष अनुष्ठान करने को कहते हैं। नारियल से धुआं उठने लगता है, जिससे मोनिका भयभीत हो जाती है। गुरुजी कहते हैं, इस कमरे में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है। मोनिका घबरा जाती है और गुरुजी से मदद की गुहार लगाती है। गुरुजी उसे दिलासा देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही इरादे थे। गुरुजी की बातें सुनकर मोनिका के पैरों तले से जैसे जमीन सरक जाती है। मोनिका गुरुजी के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, गुरुजी मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए, गुरुजी कृपा करके बचा लीजिए। मुझे मोनिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
गुरुजी ने मोनिका को हाथ पकड़कर उठाया और आंसू पोंछते हुए मोनिका को दिलासा देते हुए कहते हैं कि वह सब ठीक कर देंगे। उन्होंने फिर से आंखें करते हुए मोनिका को बिस्तर पर बैठने को कहते हैं। मोनिका तुरंत बैठ जाती है। आंखें बंद करते हुए गुरुजी मोनिका से बातें करते रहते हैं। धीरे धीरे गुरु का मन बहू को देखकर पिघलने लगता है। गुरुजी के अंदर शौपान जाग उठता है। गुरु ने सोच लिया था कि जैसे भी हो मोनिका से अपनी हसब मिटाकर ही रहेगा। गुरुजी मोनिका को अपनी बातों में फंसा रहे थे। गुरुजी ने पूछा, मोनिका क्या तुम अपने पति रमेश से दूर रह सकती हो? मोनिका कहती है, नहीं गुरुजी, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मोनिका तुरंत जवाब देते हुए उनके सामने हाथ जोड़ती है, कुछ कीजिए गुरुजी। मोनिका अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। गुरुजी अब मोनिका के बगल में बैठ जाते हैं और कहते हैं, मोनिका आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मोनिका धीमे स्वर में पूछती है, क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने मोनिका के सर को पकड़कर उससे कहता है कि मोनिका आपको मेरा वह काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। मोनिका गुरुजी से कहती हैं, गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हो? मैं अपने पति रमेश को धोखा नहीं दे सकती। गुरुजी मोनिका से कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, आपके घर और पति पर जो मुसीबत आने वाली है उसकी जिम्मेवार आप होगी। मोनिका अपने परिवार और पति रमेश पर बिल्कुल भी आंच आने देना नहीं चाहती थी और मोनिका गुरुजी की बातों में आ जाती है। अगर आप मेरी बात मान लोगी तो मैं आपके पति और घर की आने वाली सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। धीरे धीरे गुरुजी मोनिका के पास आते हैं और उसके पति रमेश की सुरक्षा का भय दिखाते हुए उसे मानसिक जाल में फंसाने लगते हैं। वो उससे कहते हैं, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारे पति को सुरक्षित रखूंगा। मोनिका गुरुजी की बातों में आ जाती है और उस काम के लिए मजबूर हो जाती है। और उस रात गुरुजी ने मोनिका के साथ वह खेल खेला जो वह खेलना नहीं चाहती थी, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखा बन गया। अगली सुबह गुरुजी बिना कोई शक छोड़े आश्रम लौट जाते हैं। मोनिका के पति और सास घर वापस आते हैं, लेकिन मोनिका अब टूट चुकी थी। वह फूट फूट कर रोने लगती है और रमेश और सासू माँ को सब कुछ बता देती है। यह सुनते ही परिवार वाले सन्न रह जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद पुलिस उस ढोंगी गुरुजी को गिरफ्तार कर लेती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान पर बिना सोचे समझे विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ढोंगी लोग आपके जीवन को नरक बना सकते हैं, इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहे। इस कहानी का अंत एक को उजागर करता है कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए और सतर्कता हमेशा जरूरी है।